तेरे माथे पर से एक बाल उतार और इस बाल के खड़े दो टुकड़े कर, वर्टिकल बाइसेक्शन, और उस दो टुकड़े के भी और दो टुकड़े कर, एक खड़े बाल के चार टुकड़े करवा कर उसमें से एक टुकड़ा लेकर इस बावड़ी का जल खाली करना। जितना समय और पुरुषार्थ लगेगा उतने लंबे अरसे के बाद ये मनुष्य का जन्म मिलता है। ऐसा अद्भुत ये मनुष्य का अवतार हमें प्राप्त हुआ है। ये तो हुई आध्यात्मिक बात, लेकिन आज के वैज्ञानिक भी इस बात को गवाही देते हैं कि ये मनुष्य का जन्म यदि कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली भी यदि तैयार करना हो तो कितना महंगा है। आज से बराबर 42 साल पहले 1975 में अमेरिका में न्यूयॉर्क में मोरोविट्स नाम के बहुत बड़े वैज्ञानिक ने विश्व के बड़े बड़े शरीर वैज्ञानिकों को इकट्ठा किया था। 5 दिन तक एक बड़ी सेमिनार का आयोजन किया गया था और उस सेमिनार का मुख्य विषय था कि मनुष्य जन्म को, मनुष्य को यदि कृत्रिम रूप से बनाना हो तो कितनी लागत चाहिए। हमारी आंखें, हमारी नासिका, हमारे कान, हमारा खून, ये जो गुर्दे, लंग्स, लीवर, हमारा हृदय, अरे कैसा हृदय भगवान ने हमें दिया है। संसार में कोई सबमर्सिबल पंप ऐसा नहीं होगा जो 80-80 साल तक बिना बाहर से पावर दिए चल पाता हो। भगवान ने ऐसा हृदय बनाया जो 2400 घंटे से एक सबमर्सिबल पंप की तरह चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। अरे हमारे लीवर में 200 प्रकार के केमिकल बनते हैं। ये मानव शरीर की यदि रचना